हेलो फ्रेंड्स, डीआर क्लास एडवाइस सोमेश्वर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन सीवीटी 2 के इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो देखिए दोस्तों, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ना देखा हो, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में ना पता हो, तो आप पिछले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आज देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनता कैसे है। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जो है ये आपको एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दे दिया जाता है, और जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्शन बनते हैं, टोटल 3 प्रोजेक्शन बनते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो मुख्य चीज है कि यह सिर्फ 2 प्लेन में बनता है। एक तो आपका बनता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, यानी प्रथम कोणीय पक्षे, और दूसरा जो बनता है वो बनता है आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब सबसे मुख्य चीज क्या है कि दोस्तों, इसमें हम 3 व्यू बनाते हैं। कितने व्यू बनाते हैं? 3 व्यू। तो जो चीज हम ऊपर से देखते हैं उसको हम बोलते हैं टॉप व्यू, ये हमारा कहलाता है टॉप व्यू, और इसे हम जो है प्लान कहते हैं। ठीक। अब अगर मान लीजिए हम इधर सामने से देख रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है फ्रंट व्यू, और इसे हम बोलते हैं एलिवेशन। अब देखिए, साइड व्यू 2 होता है। अब अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारे हाथ के अगर ये लेफ्ट में है तो ये कहा जाता है लेफ्ट साइड व्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड व्यू। अब देखिए दोस्तों, सबसे मुख्य चीज पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये हमारे तीनों बनेंगे कौन कहां बनेगा, ये आप जान लीजिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंगल की बात करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एंगल में जो हमारा फर्स्ट एंगल होता है, अगर हम फर्स्ट एंगल की बात करें, तो फर्स्ट एंगल में जो ये आपको पता होगा कि सबसे पहले हम जब भी बनाते हैं तो ये एक्स वाई रेखा होती है हमारी, और फर्स्ट एंगल में वीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे होता है। तो देखिए दोस्तों, जो एचपी होता है इसमें सदैव हमारा प्लान बनता है, ठीक है, यानी टॉप व्यू। और जो आपका वीपी होता है इसमें सदैव आपका एलिवेशन बनता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं फ्रंट व्यू। और एलिवेशन के बगल में ही, वीपी में ही, यहां पर जो है आपका साइड व्यू भी बनता है। तो अगर देखिए दोस्तों, अब फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि अगर साइड व्यू हम लेफ्ट से देखते हैं, कहां से देखते हैं, इधर से अगर लेफ्ट से देखेंगे तो इसको राइट में बनाते हैं। कहां बनाते हैं? लेफ्ट से देखते हैं तो राइट बनाते हैं, यानी उल्टा बनाया जाता है। अब देखिए ये दोस्तों, ये वीपी, इसमें हमारा साइड व्यू बनेगा, और हम लेफ्ट से देख रहे हैं, इसका मतलब हम राइट में बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे साइड व्यू। ठीक। और साइड व्यू के जस्ट बगल हमारा क्या बनेगा? फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे यहां पर हम बनाते हैं टॉप व्यू, क्योंकि ये एचपी है, तो यहां हमारा बनेगा टॉप व्यू। ठीक। ये हम फर्स्ट एंगल की बात हो गई। चलिए हम बात करते हैं थर्ड एंगल की। अभी देखिए दोस्तों, अभी हम बना नहीं रहे हैं, अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि किस प्रकार बन सकता है, कौन कहां बनेगा। अब थर्ड एंगल की अगर हम बात करें तो ये हमने एक्स वाई रेखा किस लिया। अब देखिए दोस्तों, थर्ड एंगल में एचपी कहां रहेगा आपका? ऊपर, और वीपी कहां रहेगा आपका? नीचे। अब देखिए दोस्तों, थर्ड एंगल में क्या होता है कि जहां से हम देखते हैं वहीं से बनाते हैं। अगर हम लेफ्ट से देख रहे हैं तो लेफ्ट में ही बनाते हैं साइड व्यू, तो अगर हम लेफ्ट से साइड व्यू अगर इधर से देखेंगे तो इसका मतलब लेफ्ट में बनाएंगे, यानी यहां क्या बनेगा इसका? साइड व्यू। और यहां क्या बनेगा आपका? फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर क्या बनता है? टॉप व्यू। ठीक। तो ये था मतलब दोस्तों कि कौन कहां बनेगा, ये हमने निर्धारण कर लिया। चलिए अब हम बना करके बताते हैं कि एक एंगल में बनाते हैं। दोस्तों देखिए, मैक्सिमम थर्ड एंगल आता है, तो हम आपको यहां से थर्ड एंगल में जो है बना करके इस फिगर के
प्लान एलिवेशन और साइड व्यू को जो है हम क्या करते हैं यहां से ड्रा करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको मिटा देते हैं और उसके बाद फिर हम इसको ड्रा करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहां पर हमें देखना कैसे होता है, देखने के लिए देखिए दोस्तों सबसे पहले अब मान लीजिए अगर हम इसका जो है थर्ड एंगल में जो है प्रक्षेप बनाना है, हमें इसका थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप बनाना है। अब देखिए थर्ड एंगल में पता है एचपी ऊपर होता है और वीपी नीचे होता है, तो करना क्या है किसको तीन तरीके से देखना है, एक तो सामने से देखना है, एक ऊपर से देखना है और एक साइड से देखना है। तो देखिए दोस्तों सबसे अच्छा जो हमें सबसे क्लियर दिखता है हम उसी को बनाते हैं। तो अगर हम सामने से देखें तो देखिए फ्रंट जो है हमें सबसे अच्छा दिख रहा है, यानी फ्रंट में अगर हम देखें तो फ्रंट में हमें ये चीजें दिखाई देंगी, ये दिख रहा है आपका, अगर हम सामने से देखें तो ये दिखेगा हमें, इसके बाद ये दिखेगा सामने से, डायमेंशन है वो सभी एमएम में है, ठीक है एमएम में है डायमेंशन। अब देखिए दोस्तों अगर सामने से देखें तो यही ये दिखेगा, ये दिखेगा और कुछ दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो अगर हम मान लीजिए इसका जो है फ्रंट व्यू बनाए, तो अभी हमने आपको बताया कि एचपी में प्लान बनेगा, यानी यहां प्लान बनेगा, यहां फ्रंट व्यू और यहां साइड व्यू, तो यानी यहां पर फ्रंट व्यू बनेगा। तो आप देखिए करना क्या है, इधर आपका कितना है 45, तो इधर हमने कितना खींच लिया 45 के बाद देखिए ये हम कितना जा रहे हैं, ये आपका 15 है, तो ये हम जो है कितना जा रहे हैं, अगर ये 15 है तो ये भी 15 है, 15 के बाद फिर ये 20, तो सबसे पहले हम कितना जाएंगे, पहले 15 जाएंगे, ठीक है ये हमने कितना खींचा है 45, फिर 15 गए और 15 के बाद ये हमने बना दिया, ठीक, और 15 के बाद देखिए ये आपका 20, तो यहां से हमने ये 20 बना दिया, ठीक ये बन गया दोस्तों। अब सबसे मुख्य चीज क्या है इसमें कि अगर हम देखें तो ये 5 mm की ऊंचाई से जो है ये भाग यहां से काट करके निकाल दिया गया है, तो इसका मतलब है कि हमें जब सामने से देखेंगे तो इधर से जो है इधर आपका क्या होगा, अगर हम इधर से 5 mm की देखें तो 5 mm से अंदर से ये कटा हुआ है, तो जो चीज कटा हुआ होता है वह हमें दिखाई नहीं देता सामने से। तो हम क्या करते हैं कि जैसे अगर देखें तो ये 5 mm पर इधर सामने से पीछे की ओर कटा होगा, तो हमें 5 mm पर यहां डॉटेड लाइन कर देनी है, तो वह डॉटेड हमें क्या प्रदर्शित करेगा कि यह जो है 5 mm की जो है कट है इसमें ऊपर 5 mm, तो जो चीज कट रहा था जो हमें नहीं दिखाई देता है उसको हम डॉटेड लाइन के द्वारा क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका 45, ठीक है, और ये हमने खींचा कितना 15, और ये हमने खींचा कितना 20, तो ये बन गया दोस्तों आपका क्या जो है फ्रंट व्यू, ठीक है ये बन गया आपका फ्रंट व्यू, या जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एलिवेशन भी कर सकते हैं, यानी ये आपका क्या है एलिवेशन हो गया। अब देखिए दोस्तों जस्ट एलिवेशन के ऊपर ही आपका क्या बनता है टॉप व्यू बनता है। अब देखिए अगर हम टॉप व्यू में देखें तो ये दिखाई देगा हमें, ये दिखेगा ऊपर से, ये सरफेस भी हमें ऊपर से दिखेगी, और ये सरफेस देखिए अगर ये ऐसा है तो इस तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही है, यानी ये सरफेस भी हमें ऊपर से क्या होगी दिखेगी, क्योंकि ये 3D है और हम बना किसमें है, बना किसमें है 2D में, तो इसलिए पीछे वाला सरफेस जो है यहां पर छिपा हुआ है, यानी इस प्रकार की संरचना उस तरफ भी है। तो देखिए 1, 2, 3 अगर देखें ऊपर से तो ये आयत के तरीके दिख रहे हैं, यानी हमें 3 आयत प्राप्त हो गए, और टोटल डायमेंशन देखिए कितना है 15, 15, 15, और इधर कितना है 45, तो 15 × 30 × 45 यानी वर्गाकार प्राप्त होगा, यानी यहां से अगर हम बनाए तो 45 इधर और 45 कहां बनेगा आपका ऊपर, ठीक है 45 कहां बनेगा आपका ऊपर भी 45, तो ये हमने 45 45 का बना लिया। अब ये देखिए ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो आप 3 खाने 15 15 के बना दीजिए बस, तो ये क्या बन जाएगा आपका टॉप व्यू, यानी देखिए अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये आपके कितने कितने के आगे 45, ये भी कितना है आपका 45, ये भी कितना है आपका 45, तो ये आपका दोस्तों बन गया क्या इसे टॉप व्यू, यानी इसे हम क्या कहेंगे टॉप व्यू कहेंगे, या इसे हम क्या कहेंगे प्लान कह सकते हैं, ठीक। और ये हमारा क्या बना था एलिवेशन बना था। अब देखिए लास्ट में जो दोस्तों है
है आपका कि अब जो भाग खाली दिख रहा है, ये देखिए ये पूरा भाग खाली दिख रहा है, ये आप साइड से जब देखेंगे तो ये आपको साइड से दिखेगा। तो अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा है साइड व्यू, यानी ये संरचना बना ले तो ये साइड व्यू हो जाएगा। और साइड व्यू हमेशा कहां बनेगा, एलिवेशन के बगल में। तो अगर हम यहां से बनाए तो देखिए ये कितना आना है 15, इधर से 15 और फिर 5 ऊपर। तो अगर हम यहां से आए 15, 15 आने के बाद फिर 5 ऊपर, फिर 15, ठीक है, फिर 5 नीचे आ जाएंगे, फिर 15, ठीक। तो ये हमारी आकृति, फिर 15 ऊंचाई जा रहा है इसके सीध तक, तो 15 ऊंचाई तक हम गए इधर, ठीक है। और फिर ये देखिए 15 है दोस्तों, और ये कितनी ऊंचाई तक गई है, 20 तक। तो फिर यहां तक आ जाइए आप 15 तक, फिर यहां भी 15 आइए, और फिर 20 ऊंचाई आपको क्या करना है, ऊपर की ओर जाना है, और फिर मिला दीजिए। तो ये देखिए ये बन गया आपका क्या, फ्रंट व्यू, ठीक है, ये बन गया आपका क्या, साइड व्यू। अब देखिए तो ये आपका कहलाएगा कौन सा साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, ठीक है, जिसमें ये कितना था आपका 15, ठीक, ये कितना है आपका 20, तो ये भी 20 है, ये 15 तो ये भी 15, ये आप प्रदर्शित कर दीजिए, ये भी आपका कितना है 15, ठीक है, ये भी आपका कितना है 15। तो देखिए दोस्तों प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न में आपको ये संरचना दी जाएगी और इसमें से कोई भी एक व्यू दिया जाएगा और उसकी चार आकृतियां बनी होंगी, उसमें से आपको पहचानना होगा कि इसका टॉप व्यू क्या हो सकता है, या आपसे एलिवेशन दिया जा सकता है, यानी इसका फ्रंट व्यू क्या हो सकता है, या इसका साइड व्यू क्या हो सकता है। तो उसमें से आपको क्या करना होता है, चूज करना होता है। तो दोस्तों यही है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।